घोसी विधानसभा में क्यों हारी बीजेपी, सपा को क्यों मिली जीत, हम बताएंगे पूरी रणनीति और पूरा चिट्ठा। क्या राजभर को सपा पार्टी छोड़ने पर हो रहा पछतावा, मायावती के वोटों से किसका हुआ लाभ, आखिर कैसे बीजेपी हारने के बाद भी कुछ वोटों से आगे गई बढ़, घोसी विधानसभा में क्यों नहीं चला योगी का जादू, हम बताएंगे आपको हर एक प्रश्न का सटीक उत्तर। अगर आपसे पूछा गया कि घोसी विधानसभा में कौन जीता तो आप एक टूक में कहेंगे कि समाजवादी पार्टी जीती है। अब आपसे पूछा जाए कि क्यों जीती तो आप कहेंगे अखिलेश को वहां के लोग पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि क्या घोसी विधानसभा में बीजेपी का प्रदर्शन बुरा रहा तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, तभी तो वो हार गई। लेकिन यहाँ पर आप गलत हैं। अब क्यों, इस बात को आप आगे समझिए। दरअसल पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव में 21.12% वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहने के बावजूद बसपा घोसी उपचुनाव के मैदान से दूर रही। इसका लाभ सीधे तौर पर सपा को मिला और वो जीत गए। वैसे तो बसपा अमूमन उपचुनाव से दूर रहती है, लेकिन घोसी उपचुनाव के बारे में कहा जा रहा है कि बसपा प्रमुख मायावती ने सोची समझी रणनीति के तहत दूरी बनाए रखी। ये माना जाता रहा है कि ज्यादातर उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी की ही जीत होती है और भाजपा ने घोसी सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए निषाद पार्टी अपना दल के साथ एनडीए में सभासपा को भी ले लिया ताकि उनको जीत मिल सके, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, तभी तो सपा को जीत मिली। फिलहाल इस बार के आंकड़े कहते हैं कि घोसी विधानसभा में बीजेपी का प्रतिशत इसके पहले वाले चुनाव की तुलना में कुछ बेहतर रहा है। पूरी बात को हम जरा सा सिलसिलेवार समझाएंगे, इस खबर को हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर समझते हैं। यूपी चुनाव 2022 से पहले योगी सरकार में मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने भाजपा को बड़ा झटका दे दिया था और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। सपा ने उन्हें उनकी मनपसंद घोसी सीट से उम्मीदवार भी बना दिया। सोने पे सुहागा ये रहा कि वे जीत भी गए, लेकिन प्रदेश की जनता ने एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाई तो दारा सिंह चौहान का मन एक बार फिर बदल गया। वे भाजपा के साथ हो गए, विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। उपचुनाव में पार्टी ने उम्मीदवार भी बनाया, लेकिन घोसी की जनता का भरोसा जीत पाने में कामयाब नहीं हो सके और फिर लोकसभा चुनाव 2024 से पहले घोसी के रण को एनडीए बनाम इंडिया के रूप में पेश किया गया, जिसमें जीत विपक्षी गठबंधन की हुई यानी सपा की। इस चुनाव के प्रचार मैदान में भाजपा की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से लेकर सांसद मनोज तक को जमीन पर उतरना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ सपा ने भी पूरी ताकत झोंक दी और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल से लेकर अन्य नेताओं ने मैदान साध लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि चुनावी लड़ाई में पलड़ा समाजवादी पार्टी की तरफ झुक गया। दो बार के विधायक रहे सुधाकर सिंह तीसरी बार एमएलए बनकर यूपी विधानसभा में पहुंच गए। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे एक कारण मायावती भी है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर मायावती के वोट अखिलेश यादव की पार्टी को मिले हैं। यहाँ पर अगर हम वोट के गणित को समझें तो पाएंगे कि यहाँ पर 80,000 मुस्लिम वोटर हैं, वहीं यादव वोटरों की संख्या करीब 50,000 है। चौहान, राजभर और निषाद वोटरों को मिला दे तो उनकी भी संख्या लगभग 1.25 लाख के आसपास हो जाती है, मतलब यहाँ मुकाबला बराबरी का रहता है। ऐसे में हार जीत सवर्ण और दलित वोटों के जरिए तय होती है। इस बार के चुनाव में सपा ने क्षत्रिय उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारकर खेल कर दिया। क्षत्रिय वोट बैंक का लगभग 50% सुधाकर सिंह के पक्ष में गया और इसी का परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर बीजेपी को करारी हार और सपा को बड़ी जीत हासिल हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज़।